हाँ फ्रेंड्स, फ्री में आप अपना डॉक्यूमेंट आधार में कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले माई आधार uid.gov.in पे आना है। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड सेंड ओटीपी क्लिक कर देंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पे डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करें यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, 14/9/2023 तक फ्री ऑफ कॉस्ट आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो स्क्रॉल करना है नीचे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करना है, फिर नीचे आपको क्लिक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए अपडेट अभी ओपन है, यहाँ पे देखिए हमारा नाम आ गया। यहाँ पे लिखा गया है प्लीज़ वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट अपडेट डिटेल्स, यहाँ पे जो आपका नाम लिखा है और यहाँ पे जन्म तिथि आपका जो लिखा है, एड्रेस लिखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट का साइज़ 2 MB रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे JPG, PNG और PDF फाइल में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आप आजाद निवासी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ID, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिर वही गवर्नमेंट आईडी सेलेक्ट करना है, इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, जो जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण, आप नाम वाले में जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे और एड्रेस प्रूफ में आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है। अपलोड करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपये नहीं लगेगा। तो ऐसे आप अपने आधार कार्ड में अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।